नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ कि अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते हैं और आप पीपीटी बनाते हैं जो पावर पॉइंट में होता है, तो उसमें आप क्या होता है कि आप काफ़ी टाइम मेहनत करते हैं और आप फोटो सब जो है अटैच करते हैं। उसके बाद जब आप फोटो ईमेल करने के लिए, आप पीपीटी जो ईमेल करने के लिए सेंड करने के लिए ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे जो उसकी फाइल की साइज़ दिखाती है, जैसे मान लीजिए आपने बनाया, घंटों तक काम किया और आपकी जो फाइल की साइज़ होगी वो 60, 70, 80 MB हो गए, तो वो तो मेल पे सेंड आप नहीं कर पाएंगे। तो उस समय आपको क्या करना होगा, उसको प्रॉब्लम जो है आपको कैसे सॉल्व करना, तो सबसे पहले आपको क्या करना, चेक करना होगा प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ पहले चेक करते हैं, इसमें देखते हैं कितनी MB। अब यहाँ पे देखिए, मेरी जो फाइल है यहाँ पे करंटली 6.12 MB दिखा रही है। अगर ये एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाया हूँ, तो आपकी फाइल जो है और भी ज़्यादा साइज़ की हो सकती है, 40, 50, 60, 70, 80, डिपेंड आपके। तो आप उसको कैसे, किस तरीके से उसको फाइल को कम कर सकते हो, तो उसी के बारे में बताना है। सो दोस्तों, चैनल पर हमारे पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आपको इसको करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो फाइल है वो आप देख लीजिए, जो भी आपने बनाया है इसमें पावर पॉइंट में, तो उसकी प्रॉपर्टीज हम चेक कर लेंगे कि आपका वो कितना MB है एग्जैक्ट, क्योंकि वो आपको देखना जरूरी है। तो आप एक बार देख लीजिए, इसके दो तरीके होते हैं। तो पहला तरीका देखिए, जो आप इसका पावर पॉइंट आप ओपन करेंगे PPT, तो किसी भी जो भी आपको, मतलब मान लीजिए सभी फ़ोटो को नहीं करना, सिर्फ एक फ़ोटो करना है, उस फोटो में सेलेक्ट करिए और ऊपर देखिए, अगर आपका होम स्क्रीन पे ऑलरेडी नहीं है तो आप ऊपर पहले होम स्क्रीन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। तो होम पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ ऊपर देखिए एक ऑप्शन दिखा रहा है फॉर्मेट करके, तो इस पर देखिए मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पर फॉर्मेट करके ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको एक कॉम्प्रेस पिक्चर करके एक ऑप्शन आएगा, तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। तो कॉम्प्रेस पिक्चर पर क्लिक करते ही आपको एक छोटा सा विंडो पॉपअप होगा, तो वहाँ पे क्या करना होगा, जो सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है ईमेल वाला, उस पर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद ओके कर दीजिए, तो आपकी जो फाइल की जो फोटो की साइज़ है तो वो आपका कम हो जाएगा। तो गाइस देखिए, अभी मैं इसको कर दिया, अब यहाँ पे सेव बटन जो ऊपर कॉर्नर में, वहाँ पे सेव का ऑप्शन, मैं उस पर क्लिक करता था, या फिर आप नॉर्मली वैसे भी बंद करेंगे तो सेव का ऑप्शन पूछता है, तो इसको हम क्लोज करते हैं और देखते हैं फाइल की साइज़ कितनी कम हुई है। तो चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसको फाइल की कितना साइज़ इसमें कम हुआ है, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ कि किस तरीके से बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं इसमें। सो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब देखिए मेरी फाइल है, इसको मैं साइज़ चेक करता हूँ यहाँ पे कितनी साइज़ है। पहले 6.12 था, अभी भी देखिए एक मैंने फ़ोटो का फाइल कम किया तो अभी भी मेरा 6.12 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रीओपन करता हूँ और अभी सारे के सारे जितने भी इसमें फाइल्स लगे, फ़ोटो अटैच हुए हैं, सभी के सभी मैं साइजेस जो है कम कर रहा हूं। इसमें करना क्या होगा, देखिए सिंपली आप इसको ओपन करिए PPT को और यहां पे फाइल पे क्लिक करिए और यहां पे देखिए सेव का ऑप्शन पूछता है, तो यहां पे सेव का ऑप्शन पूछेगा तो वहां पे सेव एज करिए। उसके बाद आपको कहां जाना मैं बता देता हूं, देखिए यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए, तो यहां पे कुछ करना नहीं है आपको, यहां पे सिर्फ सेव एज पे क्लिक करिए और उसके बाद जो भी आप लोकेशन पे इसको रखना चाहते हैं तो उसको आपको एक डुप्लीकेट कॉपी सेव करना, जो आपका ओरिजिनल है वो एज इट इज रहेगा, एक नया कॉपी जो है वो सेव हो जाएगा। तो अभी मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद देखते हैं वहाँ पे आगे क्या दिखाता है। सो यहाँ पे देखिए एक डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे देखिए एक नया विंडो खुला है। अब यहाँ पे यही गाइस आपको को काम करना है, आपका फाइल जो है आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे एक टूल्स करके ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे टूल्स में क्लिक करने के बाद कुछ चेंजेस करना है, जो कि आपको मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे जो फाइल नेम है वो आपको रीनेम करना पड़ेगा, मतलब ऑलरेडी आपका इस नाम से वहाँ पे है। तो चलिए हम इसको टूल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं क्या करना है आपको। तो यहाँ पे सेव के लेफ्ट में देखिए टूल्स का, मैं आपको जूम करता हूँ तो ये देखिए टूल्स का ऑप्शन है, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी आपका वही आएगा कॉम्प्रेस पिक्चर का ऑप्शन, जो वहाँ पर आ रहा था वो यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा गाइस, ये एक साथ में सारी की सारी फाइल का जो आपका पूरा PPT है वो पूरा कॉम्प्रेस कर देगा। तो ये सेम चीज़ सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है ईमेल वाला और उसके बाद वो सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो चलिए मैं इसको ईमेल वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो यहाँ पे लिखा ईमेल 96 PPI, तो इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ और ओके कर देते हैं। अब क्या करना होगा गाइस, जैसे ओके हो जाता है आप इसको, अब इसको फाइल का नाम दे दीजिए, नया नाम कोई, क्योंकि सेम नाम का ऑलरेडी डेस्कटॉप जो भी आप लोकेशन रखें वो ऑलरेडी है वहाँ पे। तो मैं जस्ट PPT न्यू फाइल करके लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे सेव कर देना, तो आपकी जो ओरिजिनल फाइल है वो एज इट इज़ आपके पास रहेगी, डिलीट नहीं होगी। अब ये सेव होगा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे बंद कर देते हैं। देखिए नया फाइल जो है ये मेरा ओरिजिनल फाइल है और आप देखेंगे लेफ्ट में एक नया फाइल मेरा जो आ गया है। अब ये देखिए 6.12 अभी भी है, अगर आपको बाद में लगता है वो फिर से डिलीट कर दीजिए पुराना वाला, नया वाला फाइल, आप ओरिजिनल पर फिर से काम कर सकते हैं।
सो देखिए डुप्लीकेट जो फाइल मेरे नीचे बना है सेव हुआ है ये देखिए वो ये वाला है। तो इसकी फाइल की साइज देखिए 2.07 है, मतलब 6.12 से 2.07 है। तो इसी तरीके से बड़ी फाइल की साइज को जो है आप चंद मतलब सेकेंड में मतलब समझ लीजिए आप बोल सकते हैं 30-40 सेकेंड लगेगा हार्डली आपको, और आपका जो फाइल की साइज है ऑटोमेटिकली आपको ये कम हो जाएगा। सो गाइस आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा एंड यूजफुल होगा। सो हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।